सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी दोस्तों? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि FM WhatsApp का न्यू अपडेट आ गया है FM फरवरी महीने के 9.21। दोस्तों इसे किस तरह से अपडेट करेंगे आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप FM WhatsApp को ओपन कीजिएगा तो आपके FM WhatsApp पर कुछ इस तरह से मैसेज आया होगा, नहीं तो आपके WhatsApp पर कुछ इस तरह से मैसेज आया होगा, यानी कि आपका FM WhatsApp बंद हो चुका है और डाउनलोड मांग रहा है। तो इसे किस तरह से अपडेट करेंगे आज के इस वीडियो में आप लोग को दो तरीके से बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तबरेज़, आप देख रहे हैं तबरेज़ कंटेंट, में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों वीडियो को अच्छे से समझाने के लिए मेरे मोबाइल स्क्रीन की ओर। दोस्तों FM WhatsApp को अपडेट करने के लिए सबसे पहले आपको टेलीग्राम ओपन कर लेना है। टेलीग्राम ओपन कर देने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है तबरेज़ ज्ञान टेच, तबरेज़ ज्ञान टेक आपको सर्च करना है। सर्च कर देने के बाद आपको जो पहला जो आपको लिंक दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपका इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाने के बाद आपको नीचे की साइड दिखेगा ज्वाइन बटन, आप इसे ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर मैं अब फोन व्हाट्सएप FM WhatsApp के रिलेटेड अपडेट देता रहता हूँ। देर यहाँ पर आपको ज्वाइन कर देने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा FM WhatsApp 9.21, इस पर आपको सिंपल क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपका FM WhatsApp 9.21 डाउनलोड होने लगेगा। डाउनलोड हो जाने के बाद आपको फिर से क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपका इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। आपको नीचे की साइड दिखेगा इंस्टॉल, इंस्टॉल पर आपको क्लिक कर देना है। इस तरह से आप FM WhatsApp को 9.21 इंस्टॉल कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। अगर दोस्तों किसी के पास आपका टेलीग्राम नहीं है तो उसके लिए आप अपना वीडियो ओपन, इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो इसके नीचे आप मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ गूगल ड्राइव करके, यहाँ पर आपको नीचे की साइड दिखेगा गूगल ड्राइव, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपको इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा आपके गूगल ड्राइव में। दोस्तों इस तरह से पेज ओपन हो जाने के बाद आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपको इस तरह से आपका मेल जो भी हो आप दे देना है, सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट कर देने के बाद आपको यहाँ पर नीचे की साइड दिखेगा पैकेज इंस्टॉलर पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद इस तरह से आपका डाउनलोड होगा। डाउनलोड हो जाने के बाद आपको इंस्टॉल का ऑप्शन दिखने लगेगा, नीचे के साइड आपको इंस्टॉल का ऑप्शन दिखेगा, इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने FM WhatsApp को, दूसरा मैटर मैंने बता दिया हूँ कि इस तरह से अगर किसी के पास टेलीग्राम नहीं है तो इस तरह से आप अपने FM WhatsApp को अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपके लिए इस वीडियो यूजफुल हुआ तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदुस्तान।